इस वीडियो में आज हम सीखेंगे रैम की डिफरेंट टाइप्स के बारे में. रैम, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं, जो कि टेम्पररी हमारा डाटा स्टोर करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सीपीयू के ऑपरेशंस के लिए. तो आज हम सीखेंगे रैम की डिफरेंट टाइप्स के बारे में. रैम की जो मेन दो टाइप्स हैं, एक जिसे हम डी रैम कहते हैं और एक जिसे हम एस रैम कहते हैं. एस रैम का क्या मतलब है? एस रैम कहते हैं स्टेटिक रैम और DRAM का मतलब है डायनेमिक रैम. अब हम इन दोनों को इन डिटेल स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं SRAM से या स्टेटिक रैम से. जैसे कि वर्ड स्टेटिक है, स्टेटिक का मतलब क्या होता है? स्टेटिक का मतलब होता है कांस्टेंट. यानी कि इस रैम तक जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है या जो करंट फ्लो कर रहा है, वो एक कांस्टेंट करंट इसको मिल रहा होता है और इसके अंदर सीरीज ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और वो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो एक एज ए बिट काम करता है और चूंकि हमने डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना होता है, तो ये एक ट्रांजिस्टर जो है एक स्विच के तौर पे काम करता है. एक बिट वन हो सकता है या जीरो हो सकता है. तो हमने क्या करना होता है, सीरीज ऑफ बिट्स करने के लिए हमारे पास सीरीज ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि स्टेटिक रैम में होते हैं. अब स्टेटिक रैम के अंदर जो है वो डेटा तब तक मौजूद रहता है जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है और इसको जब तक कि कांस्टेंट पावर मिल रही होती है तब तक ये डाटा स्टोर करता है. जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं या अपना कंप्यूटर का बटन ऑफ करते हैं, तो जितना भी डाटा इसमें से होता है वो तमाम ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है. उसके बाद जब हम कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर न्यू डाटा जो है इसके अंदर आ जाता है. अब जो स्टेटिक रैम है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर सलाहियत होती है फास्ट एक्सेस की. यानी इस तक सीपीयू जो है वो काफ़ी फास्ट एक्सेस कर सकता है क्योंकि इस तक एक कांस्टेंट पावर जो है वो मिल रही हो पहुंच रही होती है. इसकी वजह से इसके अंदर डाटा जो है वो रिटेन रहता है, मेंटेन रहता है. इसकी एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल सीपीयू कैश मेमोरी है, जो कि सीपीयू कैश वो मेमोरी एक फास्ट मेमोरी होती है जो कि सीपीयू को चाहिए होती है, जिसमें सीपीयू फास्ट एक्सेस करके डाटा एक्सेस करके अपने ऑपरेशन ज़्यादा फास्ट कर सकता है. अब ये स्टेटिक रैम का हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है. अब हम जानते हैं कि डायनेमिक रैम किसे कहते हैं. डायनेमिक रैम कहते हैं कि एक ऐसी रैम जिसके अंदर हमारा जो डाटा होता है वो रिफ्रेश होता है. यानी इसके अंदर जो पावर इसको मिल रही होती है वो एक कांस्टेंट पावर इस तक नहीं पहुंच रही होती, बल्कि इसके अंदर स्मॉल कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली रिफ्रेश होते हैं. इन कैपेसिटर में से जो हमारा चार्ज होता है वो लीक हो जाता है, जिससे इस कैपेसिटर को मोर पावर रिक्वायर्ड होती है. उसके बाद एक रिफ्रेश का एक प्रोसेस होता है और उसके बाद क्या होता है कि ये मेमोरी के जो होती है इसके अंदर पावर जो है वो रिफ्रेश हो जाती है, जिससे ये होता है कि कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा बेहतर है डेटा को स्टोर करने के लिए. क्योंकि कैपेसिटर जो है वो कंटिन्यूसली रीचार्ज होता है. रीचार्ज होने की प्रोसेस में जो पुराना डेटा है वो ख़त्म हो जाता है और न्यू डेटा आ जाता है. इससे ये होता है कि स्पेस की, मेमोरी स्पेस की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है. यानी डायनेमिक रैम में नॉर्मल कैपेसिटर के साथ ट्रांजिस्टर के साथ एक एक कैपेसिटर भी होता है जो कि उस मेमोरी स्पेस को मुसलसल रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो डायनेमिक रैम और स्टेटिक रैम में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया है कि इसको हमें मुसलसल रिफ्रेश करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, इसका एक नुकसान ये है कि डायनेमिक रैम में जो पावर कंसम्पशन है वो बढ़ जाती है. यानी हमें ज़्यादा पावर जो है इसके अंदर चाहिए होती है क्योंकि हमने कैपेसिटर्स को बार बार रिचार्ज करना होता है. उसके मुकाबले में यहाँ पर जो हमें पावर कंसम्पशन काफ़ी कम होती है. स्टेटिक रैम जो होता है उसके अंदर फास्ट एक्सेस होता है, यानी इसको एक कांस्टेंट पावर मिल रही होती है, इसकी वजह से सीपीयू इसको जो एक्सेस करता है वो काफ़ी फास्ट एक्सेस के अंदर सलाहियत होती है. लेकिन जो डायनेमिक डी रैम है इसका एक्सेस टाइम जो है वो स्टेटिक रैम के मुकाबले में स्लो होता है. इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसके अंदर बार बार रिफ्रेश का जो प्रोसेस होता है, कैपेसिटर के रिचार्ज का जो प्रोसेस होता है, इसकी वजह से इसका एक्सेस टाइम जो है वो काफ़ी स्लो है कंपैरेटिवली रैम के एस रैम के मुकाबले में. इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो कि हमारी मेन मेमोरी में हम जो रैम इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल हमारी डायनेमिक रैम ही होती है, जो कि एक चिप की शक्ल में होती है जो कि आप अपने मदरबोर्ड पे उसको इंसर्ट करते हैं. इसके अलावा ये वीडियो कार्ड मेमोरी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वीडियो कार्ड में हमने पिक्सल क्वालिटी बेहतर बनानी होती है, इसमें हमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स चाहिए होती है. ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो हमें डी रैम के अंदर जो है ये सलाहियत है, इस वजह से वीडियो कार्ड मेमोरी के अंदर भी डी रैम का इस्तेमाल होता है.
उसके साथ साथ जो है वो नेटवर्किंग हार्डवेयर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मुसलसल नेटवर्क का एक फ्लो जारी रहता है। तो अब आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्टेटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या फ़र्क है। स्टेटिक रैम जो है इसकी स्टोरेज काफ़ी लो होती है, ये इसका एक ड्रॉबैक है, जबकि इसके मुकाबले में जो डायनेमिक रैम है इसकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है। ये अब हमने इन दोनों में एक डिफरेंस पढ़ लिया है कि स्टेटिक रैम में और डायनेमिक रैम में क्या फ़र्क है। अभी हम ये जानते हैं कि जो हमारी डायनेमिक रैम है, जो कि हमारी मेन मेमोरी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी फर्दर और कौन सी टाइप्स हैं। तो जो हमारे पास डी रैम है इसकी जो है वो दो मेन टाइप्स हैं, एक जिसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस डी रैम। एसिंक्रोनस क्या होती है, और दूसरी टाइप हमारे पास है वो है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, इसको हम एस डी रैम कहते हैं। और ये जो होती है एसिंक्रोनस जो होती है इसको हम कहते हैं ए डी रैम। अब ये इसकी दो टाइप्स हैं, डी रैम की दो टाइप्स हैं, एक ए डी रैम, सॉरी यहाँ पे ये हमारी ए डी रैम है और ये एस डी रैम है। अब हम इन दोनों में फ़र्क जानते हैं कि एस डी रैम क्या है और ए डी रैम क्या है। एसिंक्रोनस डायनेमिक रैम जो है इसके अंदर और सिंक्रोनस डायनेमिक रैम के अंदर दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, इनमें फ़र्क है सीपीयू क्लॉक साइकिल का। सीपीयू क्लॉक साइकिल किसे कहते हैं, पहले हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि साइकिल किसे कहते हैं। साइकिल कहते हैं कि एक काम जो है वो एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो और उसके बाद वो अपना एक प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाए और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट हो। इससे क्या होता है कि ये एक साइकिल बन जाता है। साइकिल कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, उसे हम साइकिल कहते हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस मुकम्मल रिपीट होता रहता है, ये साइकिल रिपीट होता रहता है। अब यहाँ पे सीपीयू साइकिल का क्या मतलब है, सीपीयू देखें, सीपीयू हमारे पास जो है वो सेंट्रल चिप है एक। अब सीपीयू जो है वो हमारी मेन मेमोरी है, सॉरी मेन प्रोसेसर है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, यानी उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस या डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस दरअसल ये सीपीयू अप्लाई करता है। सीपीयू का जो सर्किट है वो इतना कैपेबल होता है जो हमारी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। अब इस सीपीयू के साथ एक कनेक्शन होता है हमारा मेमोरी के साथ, मेन मेमोरी जो कि हमारी डायनेमिक मेमोरी है। अब यहाँ पे सीपीयू ने क्या करना होता है कि सीपीयू जो हमारी मेन मेमोरी होती है इसके अंदर मेमोरी लोकेशंस होती हैं। हर मेमोरी लोकेशन पे सीरीज ऑफ बिट्स जो होती हैं वो स्टोर होती हैं, और हर लोकेशन के अंदर एक इंस्ट्रक्शन जो कि हम अपने कंप्यूटर को करने के लिए कहते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन आके इस मेमोरी लोकेशन पे आके स्टोर हो जाती है। अब सीपीयू क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ तक पहुंची है हमारी इनपुट डिवाइस से, जो इनपुट डिवाइस कोई भी हो सकती है, माउस भी हो सकता है, कोई कीबोर्ड भी हो सकता है, अब इस माउस या कीबोर्ड से हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है वो इंस्ट्रक्शन आई है और वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इन द सीरीज ऑफ बिट्स जो है वो यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो गए। अब सीपीयू क्या करता है, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और फेच करने के बाद इसको अपने जो इसका सेंट्रल एरिया है वहां से ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से फेच हुई, यहाँ से ट्रांसफर हुई, सीपीयू ने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इसने क्या किया, इस इंस्ट्रक्शन को वापस रैम में राइट कर दिया। यानी यहाँ पे दो मेन ऑपरेशन हो रहे हैं, एक राइट का ऑपरेशन हो रहा है और एक रीड का ऑपरेशन हो रहा है। अब देखें ये दरअसल हमारे पास एक साइकिल है, यानी पहले जो है वो रीड का प्रोसेस हुआ और उसके बाद उसको मेमोरी में उसी इंस्ट्रक्शन को आके राइट कर दिया, उसके बाद दोबारा सीपीयू क्या करेगा, इसी प्रोसेस को मुकम्मल करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और फिर उसको वापस प्रोसेस करके राइट कर देगा। तो इससे एक सीपीयू साइकिल चलता रहता है। तो एक सीपीयू जो है वो एक सेकंड में मिलियंस ऑफ साइकिल्स परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड के अंदर वो प्रोसेस कर रहा होता है। अब हमारा जो है वो सिंक्रोनस डायनेमिक रैम में ये होता है कि जो हमारा सीपीयू क्लॉक साइकिल है वो दरअसल कंटिन्यूसली जारी रहता है और उसके अंदर किसी तरह की इंटरप्शन नहीं आती, यानी सीपीयू क्लॉक साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली एक मूवमेंट के साथ जारी रहता है। जबकि उसके मुकाबले में जो हमारा एसिंक्रोनस रैम है जिसको हम एडी रैम कहते हैं, इसके अंदर हमारा सीपीयू साइकिल जो है वो दरमियान में डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब इस तरह से होता है कि जब भी आप मेमोरी के ऊपर कोई इनपुट न्यू इनपुट लेकर आते हैं तो मेमोरी जो है वो इस न्यू इनपुट
को जब अपने अंदर स्टोर करती है तो सीपीयू को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एक इनपुट जनरेट हुआ है, इससे एक इंटरप्ट जनरेट होता है और उस इंटरप्ट जनरेट करने से क्या होगा, उस इंटरप्ट जनरेट करने से ये होगा कि सीपीयू क्लॉक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और सीपीयू अपना टाइम उस इंटरप्ट को देगा, इससे जो है वो ओवरऑल सीपीयू की स्पीड भी जो है वो स्लो हो जाएगी। तो हमारे पास जो सिंक्रोनस रैम है वो इन दोनों चीज़ों को, इंटरप्ट्स को और सीपीयू साइकिल को, एक सिंक्रोनसली यानी एक साथ इन दोनों को साथ लेके चलती है। लव सिंक्रोनस का क्या मतलब है कि हमारे पास दो चीज़ों की मूवमेंट जो है वो एक साथ हो रही है, इसे हम सिंक्रोनस मूवमेंट कहते हैं। तो ये हमने अब पढ़ लिया कि रैम जो डी रैम की दो टाइप्स थी, एस रैम डी रैम। उसके बाद हमने डी रैम की दो टाइप्स एक्सप्लोर की हैं, एक जिसे हम सिंक्रोनस कहते हैं और एक एसिंक्रोनस कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है जिसको हम एस डी रैम कहते हैं, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक जिसे हम सिंगल डाटा रेट कहते हैं और एक जिसे हम डबल डाटा रेट कहते हैं। सिंगल डाटा रेट जिसको हम एसडीआर कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एक नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शंस सीपीयू फेच कर रहा होता है वो हमारे पास सिंगल डाटा इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। ये एक नॉर्मल रैम है, इसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल होती है। लेकिन हमने क्या किया कि सीपीयू क्लॉक साइकिल को डिस्टर्ब किए बगैर जो हमारा डाटा रेट है उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। यानी कि हमारा जो डाटा, जो अगर एक सीपीयू जो है वो पहले 5 इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेस कर रहा था पर सेकेंड, तो उसकी हमने क्या किया कि उसकी जो डाटा था उसको हमने डबल कर दिया, यानी अब वो 10 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस कर सकेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ओवरऑल जो हमारी, इसके लिए हमें ये चाहिए होगा कि हमारी मेमोरी या हमारी रैम की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो सीपीयू को अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर सके। इसकी हमारे पास एग्जांपल है जिसको हम डबल डाटा रेट कहते हैं, डीडीआर। और आजकल जो लेटेस्ट रैम्स आ रही हैं ये हमारे पास होती हैं DDR2, DDR3। अगर आप बाज़ार से परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको उस रैम के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा DDR2 या DDR3। तो आज की इस वीडियो में हमने मेन जो टाइप्स पढ़ी हैं, ओवरऑल एक्सप्लोर किया है कि रैम की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक एस रैम और एक डी रैम। और उसके बाद हमने डी रैम की टाइप्स पढ़ी, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, और आखिर में हमने एस डी रैम के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा।